बीते कई दिनों से झारखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार यानी 1 फरवरी देर रात चंपई सोरेन को राज्य में नई सरकार बनाने का न्योता दे दिया, जिसके बाद 2 फरवरी को चंपई सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। इससे पहले राज्यपाल ने शाम करीब 5:30 बजे 5 विधायकों को मिलने बुलाया था। इनमें चंपई सोरेन भी थे। तब उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने पहले ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के सीएम बनने की अटकलों के बाद दावा किया था कि महागठबंधन के पास 18 विधायक कम है। राज्यपाल के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर सभी जेएमएम और गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी की गई, जिन 2 चार्टर्ड प्लेन से जेएमएम महागठबंधन के विधायक रांची से हैदराबाद उड़ान भरने वाले थे, वो उड़ान ही रद्द करनी पड़ गई। विधायक करीब 2 घंटे तक प्लेन में ही बैठे रहे, लेकिन प्लेन हैदराबाद के लिए उड़ान नहीं भर सका, वजह मौसम बना। इसके बाद दोबारा चंपई सोरेन ने देर रात राज्यपाल से मुलाकात की और इस बार मुलाकात सफल रही। वहां उन्हें शपथ का निमंत्रण मिला और 10 दिनों की मोहलत भी। इन 10 दिनों में चंपई सोरेन को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है। बता दें 31 जनवरी को ही जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन विधायक दल का नेता चुने जाने और मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और उन्हें समर्थन पत्र सौंपा था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया था। गुरुवार को दिन में एक बार फिर चंपई सोरेन ने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ गवर्नर को पत्र लिखा और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। इसके बाद उन्हें शाम 5:30 बजे के करीब 5 लोगों के साथ राजभवन बुलाया गया। राजभवन में एक बार फिर चंपई सोरेन और उनके साथ गए कांग्रेस के आलमगीर आलम, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता, सीपीएम के विनोद सिंह और जेवीएम अध्यक्ष प्रदीप यादव ने गवर्नर से सरकार बनाने का न्योता देने का अनुरोध किया। तब गवर्नर ने कहा कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं और 1-2 दिन में इस पर फैसला लेंगे। इसके बाद राजभवन से बाहर आए नेताओं ने मीडिया के सामने समर्थक विधायकों को पेश कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने देर रात 11 बजे के आसपास चंपई सोरेन को बुलाकर सरकार बनाने की चिट्ठी सौंप और उनसे शुक्रवार या शनिवार को शपथ लेने को कह दिया। चंपई सोरेन ने साफ कहा कि वो शुक्रवार को ही शपथ लेंगे। जानकार मानते हैं कि झारखंड के इस सियासी सस्पेंस में महागठबंधन की एक तरकीब काम आई, वो था 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो, जहां हर विधायक एक एक नंबर बोल रहे थे। वीडियो में ऐसा करते हुए 43 विधायक देखे जा सकते हैं और झारखंड में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 41 है। ऐसे में ये वीडियो चंपई सोरेन के काम आ गया। जानकारी के मुताबिक यही वीडियो गवर्नर को दिखाया गया था, हालांकि अभी भी खतरा टला नहीं है और इसी डर से खबर है कि सभी विधायकों को एक बार फिर हैदराबाद भेजा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।